इस पे मैं दूं 5 स्टार ले लीजिएगा, 5 स्टार क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसको मैच करके बताइए, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। सही है, चलिए देखते हैं क्या आंसर सही होगा। हल्की वर्षा कब होती है? जब इससे कम बारिश हो। आगे है, उपकरण तथा इसके उपयोग के संबंध में बताना है कौन सा गलत है। जो यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके संबंध में बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलिए जल्दी चूज करके बताएं। सीडलेस की क्रॉप है और यहाँ पे सीडलेस वैरायटीज हैं, मतलब इधर क्रॉप्स के नाम बच्चों लिखे हुए हैं और इधर उस फसल से संबंधित बीज रहित प्रजाति लिखी हुई है, सीडलेस वैरायटी लिखी हुई है। देखते हैं कितने लोग को याद है किस क्रॉप की सीडलेस वैरायटी का क्या नाम है। जल्दी यहाँ पे प्रोपागेशन मेथड लिखा हुआ है, यहाँ पे फल का नाम लिखा हुआ है, प्रवर्धन की विधि। लीची में प्रवर्धन एयर लेयरिंग से होता है, पपीते में बीज द्वारा, केला में सकर्स के द्वारा, अंगूर में कटिंग के द्वारा। सीधा सीधा है, ए का 2, बी का 3, सी का 1। मूंगफली से ही होता है, ये पोटैटो से नहीं होता है, मूंगफली से ही होता है। कैल्शियम की कमी से पॉपिंग होता है, किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से जो होता है ये पॉपिंग रोग होता है, कैल्शियम की कमी से। ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होगा, चूना का अम्लीय मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताएं आप सब। अगर अम्लीय मृदा है जिसका पीएच मान 7 से कम है, जिसका पीएच मान क्या है, 7 से कम है, के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जल्दी से आप सब आंसर रिप्लाई करें। सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। बहुत कंसीडर्ड एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, बड़ा आसान सा सवाल है बेटा, किसको कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस का है बेटा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड लैक्टोजेनेसिस, दूध के स्राव की शुरुआत को लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है। डीहॉर्निंग के लिए रसायन जो कास्टिक पोटास होता है। ऑक्सीटोसिन का स्राव करने वाली ग्रंथि पिट्यूटरी होती। रानीखेत रोग एक पैरामिक्सो वायरस टाइप के द्वारा होता है जो कि एक पोल्ट्री की बहुत गंभीर समस्या है। काक्सीडियोसिस प्रोटोजोवा के द्वारा होता है जो कि पोल्ट्री की एक बहुत गंभीर समस्या है। फाउल पॉक्स रोग पोल्ट्री में एवोपॉक्स वायरस के द्वारा होता है। और पहली बार जो स्टेटमेंट है, 1 एंथ्रेक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स रोग बैक्टीरिया से होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से। ठीक है, उसके बाद एंथ्रेक्स डिजीज इज आल्सो नोन एज स्प्लीनिक फीवर, स्प्लीनिक फीवर भी इसको बोला जाता है। जल्दी से आप सब रिप्लाई करें, ठीक है ना, दूध उत्पादन से संबंधित है ये, आप सबने बहुत पहले से ही पढ़ा हुआ है और जानते हैं, इसलिए आपका ऑपरेशन फ्लड जो है वो किसने किससे संबंधित हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है जो कि पोल्ट्री से संबंधित होता है, उसके बारे में यहाँ पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उनमें से आपको पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाउल पॉक्स इज ए रिलेटिवली स्लो स्प्रेडिंग वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट मोस्ट बर्ड स्पीसीज। बर्ड स्पीसीज का मतलब क्या हुआ, स्पीसीज थार पर्कर एक ब्रीड है, गाय भैंस भेड़ बकरी इनमें से पहचान के बताइए किसकी है। और पहले तो ये आपका है कि किसकी है ये पहचानना है, काऊ बफेलो सीप गोट इनमें से। दूसरा आपको ये बताना है कि अगर वो गाय की है या भैंस की है तो किस तरह की है, डुअल पर्पज है, मिल्च है या वर्किंग है या फिर ब्रीड ऑफ कैटल ओरिजिनेटिंग इन थारपारकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कहाँ पे, राजस्थान में, है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है डुअल पर्पज ब्रीड है, ये भी बात सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, इसमें एक भी ऑप्शन। स्टेटमेंट्स कुछ कथन नीचे लिखे हुए हैं, मेहसाना इज ए डेरी ब्रीड ऑफ बफेलो फाउंड इन मेहसाना टाउन इन गुजरात। ये देखिए पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया और पहला वाला ऑप्शन आपका सही कर दिया। मेहसाना इज ए क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द सूरती एंड द मुर्राह बफेलो, इट इज कास्टिक पोटास का यूज किया जाता है डीहॉर्निंग इन फीमेल काऊ, मादा गायों में इसको करने के लिए, बात सही है ये वाला। बर्डिजो कैस्टेटर इज यूज फॉर कैस्टेशन इन एनिमल, ये भी बात सही है।
बर्डिजो कैस्टेटर का यूज किया जाता है बधियाकरण करने के लिए। ड्राई पीरियड नोन एज नॉन मिल्किंग फेज ऑफ कैटल, ये भी बात सही है, ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें दूध नहीं दे रही होती है, जाहिर सी बात है। नाम या कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, काफी लोगों ने बी टिक किया है, काफी लोगों ने डी टिक किया है, आइए मिलाते हैं क्या सही होगा। कॉक्सिडियोसिस किससे होता है? कॉक्सिडियोसिस होता है पैरासाइट प्रोटोजोवा से, प्रोटोजोवा के द्वारा होता है। रानी खेत को न्यू कैसल डिजीज भी बोला जाता है। फाउल पॉक्स बेटा होता है किससे? एबी पॉक्स वायरस से, और मेरेक्स जो है ये आपका वायरल डिजीज होता है। होगा तो इनमें से अब आपको देखना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर कर लिया हमने, अब ऊपर जितने स्टेटमेंट दिए हुए उनमें से ये ऑप्शन दिए हुए इनमें से आपको सही बताना है, करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। इसमें से कोई तीन ही सही हो सकता है क्योंकि एक ही बात लिखी हुई है, बस यहां पे नाम बदल दिया गया है, ये आपको पता चल गया होगा देखने से ही, ठीक है। ठीक है, क्रॉस से बनाई गई है, और मेहसाना जो है ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये आपके गुजरात की उत्पत्ति स्थान का है, मेहसाना जिला जो है ये उसी का उत्पत्ति स्थान है। इसे सिटी बफेलो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शहरों में पाली जाने वाली भैंस की नस्ल है। बटर एंड मिल्क फैट, अच्छा मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट बोला है, देखिए बेटा दूध के मुख्य और जो है माइनर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो मुख्य में आपके लिए क्या क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख्य में है पानी और दूध का वसा, उसके बाद मुख्य में है होता है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, फ्लोरिकल्चर होता है फूलों की खेती, सेरिकल्चर होता है आपके सिल्क वर्म की खेती, और एपिकल्चर होता है मधुमक्खियों की खेती, रेयरिंग ऑफ हनी बीज, जिसका आकार मतलब जिसकी मात्रा 2.5 मिलीमीटर प्रति घंटे से भी कम होती हो उसे बोलते हैं गूटी विधि भी कहते हैं। विनियर ग्राफ्टिंग से किसका होगा? मैंगो का होगा। बडिंग से बहुत सारा बडिंग है, बीज के द्वारा बता ही चुके थे। टेम्परेचर चेंज होता रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक का टेम्परेचर आप देखिए, ये जो बदलाव हो रहा है ना यही कहलाता है मौसम का पूर्वानुमान, यही कहलाता है मौसम में बदलाव, और ये बहुत तेजी से बदलता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है घंटे टू घंटे, दिन से दिन, हर एक समय पर ये बदलता रहता है, यही बातें आपको याद। तो बेटा आप सबको पता है लेथाइरस में ही पाया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन सोरघम में पाया जाता है, इरुसिक एसिड मस्टर्ड में पाया जाता है, और धूरिन आपका सोरघम में। तो ए का वन मतलब आम के फल का प्रकार ड्रूप होता है, बात बिल्कुल सही है। गुआवा के फल का प्रकार बेरी होता है। एप्पल के फल का प्रकार पेपो, अरे भाई साहब कैसे हो सकता है, पियर का पोम, ये बात बिल्कुल सही है। एप्पल का आर डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काउ, थार पार्कर एंड हरियाणा, ये गाय की नस्लें। गार्डनिंग कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट यानी कि गार्डनिंग से संबंधित है, फल फूल सब्जी के उत्पादन से संबंधित है, ये भी बात सही है। पिसीकल्चर में मछलियों का पालन होता है, ये भी बात सही है। सेरीकल्चर में सिल्क का उत्पादन और उसका पालन होता है, ये भी बात सही है। विटीकल्चर में कह रहे हैं सहतूत की खेती, अरे बेटा सहतूत की खेती तो क्या कहलाएगा, सहतूत की खेती को हम लोग मोरी कल्चर कहते हैं। क्या विशेषता है? कीट प्रतिरोधी, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। जीएम सोयाबीन हर्बिसाइड, किस हर्बिसाइड से? ग्लाइफोसेट, जिसको राउंडअप के नाम से कहते हैं। जीएम राइस, जिसको गोल्डन राइस कहते हैं, ये कैरोटीन बनाता है, और बीटी कॉटन ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। तो चार के चारों सही हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चला है डी सकरिंग, जैसे हम लोगों ने टोबैको में पढ़ा था, डी सकरिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ साइड ब्रांचेज या सकर्स को हटाना ही हम लोग डी सकरिंग कहते हैं। तो केले में भी जो स्यूडो स्टेम होता है इसको हटाना, बगल से देख रहे होंगे बेचारी बहुत मेहनत कर रही है। इस किसने दिया था जीन शब्द, किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था, जॉनसन ने ही फिनोटाइप और जीनोटाइप भी दिया था, जॉनसन ने ही प्योर लाइन थ्योरी दी थी स्वपरागित फसलों में, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में शुद्ध संतति का सिद्धांत भी दिया था। बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया था, जेनेटिक शब्दावली दी थी। टीएच मॉर्गन जो है इसका नाम है, इस तरह से याद रखना। तो यहां पर देखो रंगीन बीज रहित लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है सीडलेस है, ठीक है ना, सीडलेस है। आगे देखिए फ्लेम सीडलेस कोई मतलब नहीं, ब्यूटी सी, हाँ ब्यूटी मतलब सौंदर्य यहाँ पे है, तो ये ब्यूटी सीडलेस इसका नाम है बेटा। थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहते हैं कि अरे सर गलत आ गया था। ब्यूटी सीडलेस किसका वैरायटी है ये भी याद रखिएगा, अंगूर की ही वैरायटी का नाम है। अभी तक आपके एग्जाम वाला नहीं आया है, इस पेज में आपके एग्जाम वाला क्वेश्चन है, इस पेज में आपके एग्जाम वाला है। देखिए कौन सा है, पहला है थॉम्सन सीडलेस, थॉम्सन सीडलेस आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी, थॉम्सन सीडलेस
आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी, ठीक है, सबसे ज्यादा किसके लिए है,